अस्सलाम वालेकुम क्लास एट, कैसे हैं आप लोग? इस्लामियात एट की पहली किताब की क्लास आप तक पहुंच चुकी है और इस किताब की क्लास में हमने इस्लामियात की किताब का तारुफ हासिल किया था और मैंने आप लोगों को मिड टर्म का सिलेबस भी दिखाया था। मिड टर्म के सिलेबस में आपने देखा होगा सबसे पहले सूरतुल अनफाल है। सूरतुल अनफाल की 75 आयात हैं और आपके सिलेबस में हम आयत 1 से 37 तक पढ़ेंगे मिड टर्म में। तो सबसे पहले हम सूरतुल अनफाल का शान नज़ूल बयान कर लेते हैं कि भाई शान कि अल्लाह ताला ने सूरतुल अनफाल किस मौके पर और क्यों नाजिल किए, अल्लाह ताला ने इसमें क्या अहकाम नाजिल किए। तो सूरतुल अनफाल गज़वाए बदर के मौके पर नाजिल हुई और ये सन 2 हिजरी में वाकया पेश आया था। गज़वाए बदर का गज़वाए बदर मुसलमानों और कुफार के दरमियान पहला मार्का था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीना हिजरत की थी तो उसके बाद इसके दूसरे साल कुफार और मुजाहिदीन के दरमियान ये पहली जंग हुई थी। तो जब मुसलमानों ने इतनी कम तादाद और कम हथियारों के बावजूद ये जंग बड़े कामयाबी से फतह हासिल की इसमें, तो जब माल गनीमत की तकसीम का मसला आया तो आपस में उन्हें मुसलमानों में इख्तलाफ हो गया। माल गनीमत क्या है? माल गनीमत वो माल होता है जब मुसलमान जिहाद करते हैं तो जो कुफार हारने वाली जो कौम होती है उसके जो माल होता है, जो हासिल होता है, वो माल गनीमत कहलाता है। तो उस मौके पर जब माल गनीमत की तकसीम का मसला पेश आया तो मुसलमानों में आपस में इख्तलाफ हो गया और हर कोई अपना हक जताने लग गया कि हमने इसमें ज़्यादा बहादुरी दिखाई है। उस मौके पर अल्लाह ताला ने यह अहकाम नाजिल किए कि माल गनीमत किसका है? अल्लाह और उसके रसूल का है। इसके अलावा सूरतुल अनफाल में अल्लाह ताला के अहकाम जो और बयान फरमाए गए हैं वो ये हैं कि गज़वाए बदर के जो हालात तो वाक़यात थे उसमें मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जो अहकाम भेजे हैं रसूल अल्लाह के ज़रिए, वो कौन कौन से पर कौन कौन से बातों पर अमल करना है। तो हम अभी आज सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 1 का जो है वो सुनेंगे और तर्जुमे के साथ, और उसके बाद उसका मफहूम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 1 का 10 की तिलावत सुनते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. तर्जुमा। शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि माल गनीमत खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल है, तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। मोमिन तो वो हैं कि जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें इसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो इनका ईमान और बढ़ जाता है। वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और वो जो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं, और उनके लिए परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे और बख्शिश और इज्जत की रोजी है। इन लोगों को अपने घरों से उसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला। और उस वक्त मोमिनों की ये जमात नाखुश थी, वो लोग हक बात में उसके जाहिर हुए पीछे तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ धकेले जाते हैं और उसे देख रहे हैं। और उस वक्त को याद करो जब खुदा तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल दो ग्रोह में से एक ग्रोह तुम्हारा मुसक्खर हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशान शौकत यानी बेहतियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और खुदा चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट कर फेंक दे, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, वो मुशरिक नाखुश ही हूँ। जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया, तसल्ली रखो, हम हजार फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। और उस मदद को खुदा ने महज बशारत बनाया था कि तुम्हारे दिल इससे इत्मीनान हासिल करें, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है, बेशक खुदा गालिब हिकमत वाला है। अदाकल्लाहु अज़ीम। अभी आपके सामने सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 1-10 की तिलावत की गई और हमने उसका तर्जुमा सुना। अब जरा हम इन आयात का मफहूम जान लेते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब, मैंने आपको बताया ना माली गनीमत की तकसीम पर झगड़ा हुआ, जब मुसलमानों ने जंग जीत ली तो उसके बाद आपस में झगड़ने लगे कि सबसे ज्यादा हक उन्हीं लोगों का है कि जिन्होंने फिर बहादुरी दिखाई, तो अल्लाह ताला क्या, अल्लाह ताला ने इस मौके पर ये आयात नाजिल की और रसूलुल्लाह को हुक्म दिया कि उनको जाके बताओ मुजाहिदीन को कि माल गनीमत तो किसका है? अल्लाह और उसके रसूल का है, इसमें आपस में ना झगड़े बल्कि खुदा से डरे और आपस में सुलह रखें, क्योंकि अगर आपस में डरेंगे तो क्या होगा, मुसलमान कमजोर हो जाएंगे और उनका इत्तेहाद टूट जाएगा। आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर ईमान रखते हो अल्लाह ताला पर तो जो अल्लाह ताला के अहकामात रसूलुल्लाह आप तक पहुंचा रहे हैं उन पर अमल करो। और आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? अल्लाह ताला मोमिनों की सिफात बता रहा है कि मोमिन कौन कौन से हैं, मोमिन कौन है, अल्लाह ताला क्या खूबियाँ बता रहा है कि मोमिन की खूबियाँ क्या है, कि जब उनके सामने अल्लाह ताला की आयतें पढ़ी जाती हैं तो क्या होता है, वो अल्लाह के खौफ से डर जाते हैं, यानी उन्हें अल्लाह का हर वक्त खौफ रहता है। और जब जब अल्लाह का डर होता है मोमिन के अंदर तो क्या होता है, उसका ईमान और पुख्ता हो जाता है। और मोमिन की दूसरी खूबी क्या है कि वो अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं, हालात कैसे भी हो लेकिन मोमिन हमेशा अल्लाह पर ही मुकम्मल भरोसा रखता है और अल्लाह ही कामयाबी अता करता है। इसकी खूबी क्या बताइए कि मोमिन वो है जो वक्त पर पाबंदी सुन्नत नबवी के मुताबिक नमाज अदा करते हैं। और चौथी खूबी क्या बताइए कि अल्लाह ने जो कुछ माल उनको अता किया है उसमें से सिर्फ उनका हिस्सा नहीं होता बल्कि वो उस माल को नेक कामों में खर्च करते हैं और जरूरतमंदों को देते हैं। असल में तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि यही सच्चे मोमिन है जिनमें तमाम खूबियां मौजूद हैं। आप सवाल नंबर 10 में देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि ऐसी जो सिफात जिन मोमिन हैं अल्लाह ताला उनके लिए उनके यहाँ क्या है, बड़े बड़े दर्जे हैं और बख्शिश है, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करेगा और उनको इज्जत की रोजी देगा, यानी अल्लाह ताला के यहाँ उनका बड़ा मकाम है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब कौन सी बात की जा रही है, किस तरफ इशारा है, ये हिजरत मदीना का तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रसूल अल्लाह से जिस तरह से तुम हिजरत मदीना के मौके पर अल्लाह ताला ने तुम्हें बाहिफाजत निकाल लिया था तुम्हारे घर से, तो अल्लाह ताला ने ही मदद फरमाई थी और कितनी तदबीर के साथ निकाला था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपके घर का महासरा केवल जो कफार थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको
बाहिफाजत वहां से निकाल लिया। तो जब गजबाए बदर का मौका आया, मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और कुफार की तादाद 1000 थी, और उनके पास बेतहाशा हथियार थे, मुसलमानों के पास बहुत कम हथियार थे। तो अल्लाह ताला तो क्या था कि जो मुसलमान मुझे बहुत से ऐसे थे जो कि मैदानी जंग में जाते हुए कतरा रहे थे और वो नाखुश थे कि उनको नजर आ रहा था कि हमारी जो शिकस्त है वो यकीनी है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन मोमिनों से कहो कि जो कुछ हो तुम अंदर ही अंदर बातें करते हैं, साजिशें करते हैं, अल्लाह ताला उन सबसे वाकिफ है, आपस में ना झगड़े। और अल्लाह ताला के उस वक्त को याद करो, यानी अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है मोमिनों से कि जब गजवाए बदल हुई तो उस मौके पर दो कुफार की गिरोह थी। एक काफिला वो था जो कि अबू सुफियान लेके जाती माल लेके जा रहा था शाम से मक्का की तरफ, और एक वो था जो कि मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन जिसकी क़यादत कर रहा था अबू जहल, वो अपना लश्कर लेकर वहाँ आया था। तो अल्लाह ताला रसूल अल्लाह ने ये चाहने की कोशिश की थी कि जो काफिला तजारती माल लेकर आ रहा है सुफियान की क़यादत में, उस पर मुसलमानों को जो है वो गालिब आ जाए, लेकिन अल्लाह ताला कुछ और ही चाहता था, अल्लाह ताला उससे भी बड़ी फतह दिलाना चाहता था। तो अल्लाह ताला ने किससे मुसलमानों के बंडेर करवाई, दूसरा काफिला जो कि अबू जहल की क़यादत में आया था, और मुसलमानों ने मुसलमानों ने उस पर फतह हासिल की, तारीखी फतह हासिल की। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ इसलिए करवाया ताकि हक और बातिल का फैसला हो जाए और सच और झूठ का की पहचान हो जाए। और 10-11 सफा नंबर 11 में देखिए, जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे कि तो इसने तुम्हारी दुआ को कबूल कर दी, यानी जब मुसलमान मैदान जंग में गए तो हालात मुसलमानों के खिलाफ थे, लेकिन जब रसूलल्लाह ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ रद्द नहीं की, बल्कि क्या किया, उन 313 मुसलमानों के साथ 1000 फरिश्ते कतार दर कतार आसमान से नाजिल किए जो एक दूसरे के पीछे आते थे, और उनके आने से क्या हुआ, मुसलमानों के दिल जोते मजबूत हो गए और मुसलमानों ने तारीखी फतह हासिल की। ये अल्लाह ही की मदद थी, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद को सिर्फ खुशखबरी नहीं बताया था, बल्कि क्यों कह रहा था कि मुसलमानों के दिल इस्लाम की तरफ से और अल्लाह की तरफ से मजबूत हो जाएं और उनके दिल इत्मीनान हासिल कर लें कि अल्लाह ही कैसे भी हालात हो अल्लाह ही मुसलमानों की मदद फरमाएगा, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है, बेशक खुदा गालिब हिकमत वाला है, अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत और गालिब है, और मुसलमानों को जो तारीखी फतह हासिल हुई उसमें अल्लाह ताला की ही मदद शामिल थी, जिसकी वजह से मुसलमानों ने ये फतह हासिल की। तो ये इसका इन आयात का मफहूम था। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आपके पास जो आज का होमवर्क है वो ये है कि आप सफ़ा नंबर 11 पे देखिए, अल कलिमातु व तरतीब, ये हैं अल्फाज मायने, यानी अरबी अल्फाज इन आयात के और उनके उर्दू में मायने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये होमवर्क में लिखने नहीं देगा। अल्फाल माल गनीमत, असलहू ज़ाता बैनकुम, आप अपने आपस के तालुकात दुरुस्त करो। वजलत, डरते हैं डर जाते हैं। कारे हून, नागवारी महसूस करने वाले। मुसाफून, वहाँ के जाते हैं। अहदा, एक मोनस लफ्ज़ है। दाबिल, जड़। तस्तगीसूना, तुम फरियाद करते हो। मुर्दफीन, लगातार आने वाले। गैरा ज़ाती शौकत, बगैर कांटे के, यानी बगैर असला और कुव्वत के। तो ये आपका आज का होमवर्क है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पाबंदी से जो है ये क्लासेस अटेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अल्लाह हाफ़िज़।